कोरोना रिटर्न्स, शहर शहर बढ़ गई टेंशन। नमस्कार, मेरा नाम है काविंद्र चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। देश के दूसरे राज्यों की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 3,121 कोरोना के नए केस मिले हैं। इसके साथ ही यूपी में 225 दिनों के बाद रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 27 मई को 3,178 मरीज मिले थे। गंभीरता समझ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 8,224 हो गई है। यूपी में जो नए केस सामने आए हैं उसमें से नोएडा में 600 और गाजियाबाद में 382 केस दर्ज हुए हैं। वहीं यूपी में ओमिक्रॉन के 31 मामले सामने आए हैं, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, जो कि अब नया वेरिएंट है, उसके भी उत्तर प्रदेश में अब 31 मामले हो चुके हैं। गंभीरता से सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में 408 और मेरठ में 401 केस मिले हैं। लखनऊ के मेदांता और केजीएमयू के बाद आज लोकबंधु अस्पताल में भी 3 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुलपति समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में 5 अटेंडेंट और 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। आगरा फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बड़े फैसले लिए गए। प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, बड़े फैसलों की आपको बात बता रहा हूं कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं कंटेन करने के लिए। जब पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, तब कई फैसले लिए गए थे। पहली लहर में तो बिल्कुल ही पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। दूसरी लहर में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लड़ाई बड़ी भीषण रही, कई लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में इस बार कंटेन करने के लिए, जो कोरोना का एक नई वेव आ रही है और एक नया वेरिएंट भी हम सामने देख रहे हैं, इसको कंटेन करने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की ओर से। तो सबसे पहले तो जो चुनाव थे उसके लिए बता दिया गया है कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, जनसभाएं नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जैसे जैसे हम बात बता रहे हैं आपको, तो उत्तर प्रदेश में कंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब आपको अगर माघ मेले में जाना है तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो बीते 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे तक की आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव है तो ही आप माघ मेले में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि 24 घंटे से पहले की रिपोर्ट, अमूमन लोग करते हैं ना कि 3-4-5 दिन पहले की रिपोर्ट नेगेटिव है उसको दिखाकर अगर आप एंट्री पाना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इनको समझते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में क्या क्या नए नियम लागू हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, तो आपको मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही बताता हूं कि नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में जारी नियम, नोएडा गाजियाबाद की बात कर रहा हूं मैं। तस्वीरें आप देखते रहिए, तस्वीर आपको लगातार दिखाऊंगा, तस्वीर आप देखते रहिएगा और तस्वीरों के जरिए समझिएगा कि क्या बात कर रहा हूं मैं। तो नोएडा, गाजियाबाद में, लखनऊ में रात के कर्फ्यू का समय 2 घंटे। मैं भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसको आप सुनिएगा। तो नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में रात के कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। मतलब कर्फ्यू जो पहले 10 बजे से सुबह 6 बजे का हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जो 11 बजे से 5 बजे तक का बताया जा रहा था वो अब 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है, बाहर मत जाइएगा इस वक्त। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो जो बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ चलेंगे।
16 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू करेंगी। शादियों में बंद स्थानों पर 100 और खुले स्थान पर सिर्फ 50% लोगों की अनुमति है। 15 से 18 उम्र के बच्चों को वैक्सीन के बाद 2 दिन की छुट्टी, ये कंपलसरी है। धार्मिक स्थलों, चिड़ियाघर, क्लबों में कोविड डेस्क हेल्प की स्थापना की जाएगी। बाजारों में बिना मास्क के सामान नहीं देने का फैसला किया गया है। बिना मास्क के आपको अब बाजारों में सामान नहीं मिलेगा, इसलिए मास्क का जितना ज्यादा उपयोग हो सके करें। हम भी मास्क का उपयोग करते हैं, अभी एंकर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आवाज प्रॉब्लम ना करे इसलिए, वरना ये मास्क का आप हमेशा प्रयोग कीजिएगा। बाकी मेडिकल कॉलेज में क्लासेस बंद हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लखनऊ दौरे को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि नए आदेश के अनुसार 1000 से अधिक सक्रिय मामलों वाले जिलों में कुछ प्रतिबंधों के साथ इसको लागू किया जाएगा। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ वो बताना चाह रहे हैं। आप तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरों के जरिए समझिएगा कि क्या है यूपी में कोरोना का हाल। तो कोरोना भारी है और यूपी और उत्तराखंड में अब तैयारी है। तैयारी किस चीज की? तैयारी है कंटेन करने की। अब कोरोना की तीसरी लहर जब दरवाजों पर दस्तक दे चुकी है तो चुनावी माहौल से बाहर निकलिए, क्योंकि अब कोरोना आपको टेंशन देने वाला है। और वो लोग जो सोच रहे थे कि कोरोना अब डिटेंशन में चला गया है, दरअसल वो वापस आ गया है। तो टेंशन लेना एक बार फिर से शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे में सरकार भी अब नए नियमों के साथ सामने आ चुकी है। अब कोशिश ये है कि हम लोग उन नए नियमों का कैसे पालन करते हैं। लिहाजा ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी सीमित नहीं है कि सरकार क्या नियम लगा रही है, यह हम पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं। पहली वेव के दौरान किस तरीके से समूचा देश 135 से 140 करोड़ का यह देश एक साथ आया और हमने कोरोना की पहली लड़ाई बेमिसाल तौर पर लड़ी, ये मिसाल बनी। दूसरी दुनियाओं में हमारे बारे में खबरें छपी कि किस तरीके से भारत ने इस लड़ाई को लड़ा। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, समूचे उत्तर प्रदेश में कोरोना को कैसे काबू करना है, इसके लिए तमाम नियम, तमाम जितनी भी लिमिटेशंस लगाई जानी सकती हैं वो सब लगाई जा रही हैं। ऐसे में गाजियाबाद में भी जो लगातार केस मिल रहे हैं, लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में गाजियाबाद में इसको काबू करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की अगर बात की जाए तो लगातार जो है डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ चुनावी रैलियों को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि सब्जी मंडियों में भीड़ होती है, बाजारों में भीड़ होती है, खासतौर पर अगर गाजियाबाद के उन रूरल इलाकों की बात की जाए जहां पर पेट बाजार लगते हैं, तो वहां पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसको लेकर किसी भी तरह के कोई जो कायदे और नियम है वो नहीं आए हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात देखने को ये मिली है, जो गाजियाबाद के जो जागरूक एरिया है, जैसे गाजियाबाद का कवि नगर हो गया, संजय नगर, शास्त्री नगर, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर पेट बाजार लगती थी, लेकिन लोगों ने खुद ही, व्यापार मंडल निकलकर सामने आ गया है और उन्होंने खुद ही पेट लगाने से मना कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस चीज को देखना पड़ेगा, प्रशासन को जरूरत है कि समय रहते कार्रवाई की जाए, ताकि क्योंकि पेट बाजार ऐसी जगह होती है जहां से बड़ी आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर इसके अलावा अगर प्रदेश की पूरे की बात की जाए, अगर कल की ही बात ले लीजिए, तो कल पूरे उत्तर प्रदेश में 25,974 जो है एक्टिव केसेस मिले हैं और 2 दिन में लगभग 10 लोगों की मौत हुई है जो कोरोना से पॉजिटिव थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो काफी जो है भावाई है बनती जा रही है। एक बार फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने कोरोना की तीसरी लहर में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि लगातार स्थिति ऐसी बनती जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र जी, दो चीजें आपकी पूरी बातों से जो निकलकर सामने आई। पहली चीज ये है कि एक चीज क्लियर करिएगा, आपने कहा कि कुछ इलाकों में जहां पर अभी कम लोगों को मालूम है, जागरूकता कम है, ऐसे इलाकों में अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है, मतलब लोगों की बेवकूफी लोगों पर भारी पड़ने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए उसको बेवकूफी की कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं, लोग इतना ज्यादा सचेत नहीं है। हालांकि आज के समय में कोई ऐसा, मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पहली जब वेव आई थी, पहली जब लहर आई थी, तब हम सबके लिए ये नई थी
इसका कैसे सामना करना है किसी को पता नहीं था। लेकिन आज की तारीख की बात करूं तो हम लोग पहले जानते हैं, समझते हैं इसके खतरों का, हम जानते हैं कि कितना खतरा है इससे, इसके बावजूद अगर नहीं हम लोग तकते हैं तो फिर ये गलत है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो गलती मानी जाएगी वो प्रशासन की मानी जाएगी कि अगर लोग इस तरह से जागरूक नहीं है या इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन के हाथ में पूरी तैयारियां हैं, पूरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। क्योंकि अगर गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की बात की जाए, गाजियाबाद का हिंडन बिहार की बात की जाए, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ लगभग हर एक किसी ने अपने परिचित को या अपने जानने वाले को या अपने फैमिली में से किसी एक को कोरोना के चलते खोया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग तो बेपरवाह हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आता है कि अगर लोग बेपरवाह हैं तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है। जी ठीक है, और ये वैक्सीनेशन का क्या हाल है गाजियाबाद में? वैक्सीनेशन को लेकर जो है लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर बच्चों की बात की जाए तो एक दिन में 50,000 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये जो है 10,000 से 12,000 तक में लगातार हो रहा है। और इसके अलावा अगर वैसे वयस्कों की बात की जाए तो वो भी लगातार वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते हैं। जब भी आप किसी भी वैक्सीनेशन पर जाएंगे जहाँ भीड़ लगी होगी तो वहाँ आप देखेंगे कि बड़े आसानी से जो है कोविड के जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। 2 गज की जो दूरी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसके अलावा अगर वहाँ खिड़कियों की बात की जाए जहाँ पर खासतौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है या अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाता है, वहाँ पर आमतौर पर बड़ी भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि अब जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ा है तो लोग एक बार फिर वैक्सीनेशन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगे चलकर खतरे का विषय बन सकता है। क्योंकि एक तरफ तो बूस्टर की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जिनको अभी पहली वैक्सीन भी नहीं लगी है वो भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं और वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन जब जिस तरह की भीड़ वैक्सीनेशन पर मिलती है, वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन की उसमें थे कि वैक्सीनेशन के लिए जो अभी तक समर्थ है, तो ऐसे कितने प्रतिशत लोगों को गाजियाबाद में वैक्सीन लगाई जा चुकी है? देखिए इसका अभी कोई खास तौर पर आंकड़ा तो गाजियाबाद प्रशासन ने शामिल नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने आंकड़े शामिल किए थे उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी लगभग आधी जनता ऐसी है जिनको पहली डोज या फिर पहली डोज तक नहीं लगी है और उनको वैक्सीनेशन लगना है, तभी उसके बाद वो चुनाव को लेकर जो है उनके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाएगा। जी ठीक है, दूसरी लड़ाई में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उनको धड़ाम होते खत्म होते हमने भी देखा, आपने भी देखा, सभी ने देखा, इस दफा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ से क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्या अब ठीक किया गया है, व्यवस्थाओं को अब सुदृढ़ किया गया है? जी लड़ाई के लिए तैयार है, मेरा कहने का ये मतलब। जी हाँ, देखिए अगर पहले की बात की जाए तो उन दिनों जो है जब दूसरी लहर आई थी उस वक्त व्यवस्था जो है चरमरा आ गई थी, जिसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने इस बार जो कोरोना मरीजों के लिए लगभग 3,500 बेडों की व्यवस्था की है, और साथ ही वेंटिलेटर जो पिछली बार कम थे उसकी संख्या बढ़ाई गई है और 296 उसको कर दिया गया है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट आज के समय में बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटकते हुए आपने भी देखा होगा, हमने देखा होगा, तो उसको लेकर जो है सरकारी अस्पतालों में लगभग 11 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बना दिए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो क्षमता है वो अपनी अलग है, उसको अभी मापा नहीं गया है। लेकिन ऐसे में टेस्टिंग की क्या व्यवस्था, उसको लेकर लगभग जो है एक दिन का 5,000 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसको जो है अभी गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन मिलजुल कर 3,500 से 4,000 तक टेस्टिंग बच्चों की जो है जो कोविड पेशेंट है या फिर जो उनको शक होता है उनकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की बात की जाए, क्योंकि ओमिक्रोन का खतरा किसी से छुपा नहीं है, उसको लेकर गाजियाबाद में लगभग 1200 बेडों का इंतजाम किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद का क्या हाल है अब जब कोरोना बिल्कुल सर पर खड़ा है और कोरोना की जद में इतने लोग आ चुके हैं कि इस पर एक बार फिर से लोगों के बीच टेंशन बढ़ गई है, लोग एक बार फिर अब इस खतरे को भांप रहे हैं, एक बार फिर अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्लों में, इलाकों में कोरोना के नए नए केस नजर आ रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे में अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें, ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कि आखिर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या क्या लिमिटेशंस जारी की गई हैं। तो नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में रात के कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है।
नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में रात के कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया। अब 10 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, तो रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले 11 से 5 था, अब 10 से 6 है। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क ये बंद रहेंगे। जिनको स्विमिंग का शौक है उनके लिए बुरी खबर है कि स्विमिंग पूल और वाटर पार्क बंद है। रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए भी बुरी खबर, 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। 16 जनवरी तक 10वीं के स्कूल बंद रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को, 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद हैं। आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू करेंगी। आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को लागू करेंगी। इसके साथ ही शादियों में बंद स्थानों पर 100 और खुले स्थान पर 50% लोगों को अनुमति होगी। तो बंद स्थान, शादियां अगर कर रहे हैं तो बंद स्थानों में सिर्फ 100 लोग अलाउड है, नॉट मोर देन दैट। 15 से 18 उम्र के बच्चों को वैक्सीन के बाद 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये बच्चों के लिए अच्छी खबर है। धार्मिक स्थलों, चिड़ियाघर, क्लबों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। धार्मिक स्थल मतलब मंदिर मस्जिदों में भी अब कोविड हेल्प डेस्क आपको देखने को मिल सकती है। बाजारों में बिना मास्क के सामान नहीं देने का फैसला लिया गया है। बिना मास्क लगाए अगर बाजार में जाएंगे तो मुमकिन है कि आप सामान ना लेकर वापस लौटेंगे, कोरोना जरूर लेकर लौट सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में क्लासेस बंद, ये बड़ी खबरें आपको दिखाई ग्राफिक्स के जरिए ताकि आप इनको बेहतर तौर से समझ सके। तो वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, लखनऊ का सबसे पहले तो लखनऊ का हाल बयां करिए कि किस कदर अब जो ये लड़ाई है किस हिसाब से किस लिहाज से लड़ी जा रही है। लखनऊ में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कि राजधानी है वहां पर अभी सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन सियासी पारे को धड़ाम करती ये कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं नए नए कि आज इतने केस उतने केस, काफी टेंशन बयां कर रहे हैं। तो लखनऊ का हाल क्या है फिलहाल, मुस्कुराने लायक है कि नहीं है? तो शुभम मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप लखनऊ में आकर हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं? चलिए ठीक है, एक बार फिर शुभम से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और शुभम जब कनेक्ट हो जाएंगे तब हम लखनऊ का आपको हाल बताएंगे कि लखनऊ का हाल दरअसल है क्या, क्या बेहाल है या फिर हाल जो है वो दरअसल ठीक ठाक है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात अभी नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ जो था, जो सियासी सेंटर है दरअसल उत्तर प्रदेश का, वहां पर सियासी बातों को ही जगह मिलती थी, लेकिन कोरोना ने एकदम से हलचल बढ़ा दी है। जैसे ही कोरोना के केसेस 1, 2, 3, 4 करते हुए अब 100, 150, 200 तक बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब परेशानी भी बढ़ गई है। कातिल कोरोना एक बार फिर आपके सबके हमारे सामने खड़ा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो हॉट पॉइंट्स हैं, जो मेन जगह हैं, जो मेन शहर हैं, जो मेन ज़िले हैं, उनकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाज़ियाबाद का आपको हाल बताया कि गाज़ियाबाद किस तरह से तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शुभम, मैं ये जानना चाह रहा था कि लखनऊ का हाल क्या है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, जिस लिहाज से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिस तरह से उछल कूद कर रहा है, जिस तरीके से लंबी लंबी छलांग मारते हुए बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहा है, तो ऐसे में क्या अब लखनऊ में मुस्कुराना आसान है? ठीक है, तो लखनऊ से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी से कोरोना का हाल लें, लेकिन कोरोना का हाल हम तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि शुभम जी हमारे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जब सियासी बातें करते हैं तब लखनऊ से आसानी से जो ध्वनि यंत्र है काम करते हैं, लेकिन जब कोरोना की बात करते हैं तो शायद ध्वनि यंत्र भी बेबस से नजर आते हैं। तो आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कोरोना जो कि उत्तर प्रदेश में इस कदर फैल रहा है, तो क्या हम, आप, ननकू, रज्जाक, शुभम या फिर शुलभ सब तैयार है? क्या हम लोग जो पहली बार जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी, जब हमारे लिए बिल्कुल कोरोना नया था, लेकिन हमने उससे लड़ाई लड़ी, हम जीते, देश जीता, दूसरी लड़ाई बहुत भीषण रही, हमने अपनों को खोया,
लेकिन इसके बावजूद हम देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर जीते। हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड्स जो थे उनको ध्वस्त कर दिया, हमने दुनिया को वैक्सीन बांटी, हमने दुनिया को जीना सिखाया, हमने दुनिया की मदद की। हम सबसे बड़ा देश खुद को कह सकते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, मैं चाइना की बात नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेसी के लिहाज से भी और सबसे बड़ा देश होने के लिहाज से भी हम सबसे बड़े हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, पूरी दुनिया का बड़ा भाई है भारत, और भारत ने इन चीज़ों को साबित किया है राष्ट्र के तौर पर भी और अन्य मसलों पर भी। जब कोरोना जैसी भीषण बीमारी जो कि चाइना के द्वारा तमाम देशों के सामने परोस दी गई, तब भारत ही वो देश था जिसने बड़े भाई जैसा फर्ज निभाते हुए सभी देशों के साथ हाथ मिलाते हुए इस लड़ाई से खुद को भी और पूरी दुनिया को भी बाहर निकाला। लेकिन आपको पता है कि छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। मसलन बहुत सारे सरिता बिहार बनकर ही तो भारत बनता है, बहुत सारे नोएडा बनकर ही तो भारत बनता है। ऐसे छोटे छोटे गांव शहर जब मिलते हैं तो एक भारत का निर्माण होता है, ज्योग्राफिकल जो उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो क्या इस बार हम हर स्तर पर तैयार हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए? चलिए, एक राजधानी से कनेक्शन ना सही, दूसरी राजधानी से कनेक्शन स्थापित करने में हम कामयाब रहे हैं। हमारे साथ सुभाष गौड़ जी, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस कदर अब उत्तर प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है, हालांकि यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हम लोग रोड से जुड़े हुए हैं, हम कई लिहाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी क्या इतना ही खतरा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में हालांकि इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, लेकिन उतना ही खतरा जितना हम उत्तर प्रदेश में महसूस कर सकते हैं, क्या उतना ही खतरा उत्तराखंड में भी आप देख पा रहे हैं? की राजधानी से ना सही, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी से हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह का खतरा हम उत्तर प्रदेश में महसूस कर पा रहे हैं, क्या उतना ही खतरा, उतनी ही क्षमता वाला खतरा क्या उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा था, और खासतौर से पहाड़ के उन दूर दराज क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ा था जहां आज तक कोई बड़ी बीमारी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि लोग भी उन स्थानों पर नहीं पहुंचे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी उन स्थानों पर पहुंची और उन लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना तो उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा थी और ना ही उन क्षेत्रों में RT-PCR या कोरोना टेस्ट की कोई बेहतर व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और खासतौर से ये कहा जा सकता है कि नए साल की शुरुआत के साथ से ही कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार उत्तराखंड में तेजी से बढ़े हैं, उसका बड़ा खामियाजा पहाड़ के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा यदि कोरोना फिर से प्रदेश में बढ़ता है तो। हालांकि ये कहा जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में लगभग 1400 से अधिक केस पूरे प्रदेश में पाए गए थे, और उससे पहले शनिवार को 1500 से अधिक केस पूरे प्रदेश में पाए गए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, और राज्य सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइंस भी जारी की थी जिसमें रात्रि कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंस अपनाना अनिवार्य होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई और चालान जैसी बड़ी कार्रवाई भी उन लोगों पर की जाएगी। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अभी भी लगातार जो शहरी क्षेत्र है, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, धमसिंह नगर हो, ये वो मैदानी बेल्ट है जो शहर में गिनी जाती है, और इन शहरों में अभी भी जो बाजार है उसमें लोग चकाचंद नजर आ रहे हैं, कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बड़ी समस्या ये है कि सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो भी बेहतर तरीके से इन शहरी क्षेत्रों में नहीं कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में सभी वासियों को भुगतना पड़ सकता है। जी सुभाष जी, होता क्या है कि लोग जब बातचीत करते हैं
अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात एक साथ करते हैं, एक स्वर में करते हैं, तो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में खतरा कम है, लेकिन मुझे, अगर सही हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में आप कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी बंदिशें लगा लें, लेकिन जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उनको आप नहीं बिल्कुल बंद कर सकते। दूसरी चीज कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी किस तरह की है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वहां पर अब जब बारिश का दौर चल रहा है, बारिश हो रही है, साथ ही साथ स्नोफॉल हो रही है, तो ऐसे में कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। ना तो सही डेटा सामने आ सकता है, ना तो वैक्सीनेशन सही से हो सकता है, और अगर कोई बीमार भी है उसका इलाज भी मुझे नहीं लगता उतना बेहतरी से हो सकता है। बिल्कुल कावेंद्र, पहाड़ की जो स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति है वो बेहद ये कहा जा सकता है कि बेहद खराब है, और यही वजह है कि पहाड़ में कोई भी गंभीर बीमारी पहुंचती है तो उसके इलाज के लिए या तो उन्हें देहरादून आना पड़ता है या फिर उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में आना पड़ता है। लेकिन क्योंकि दूसरी लहर में बड़ा खामियाजा पहाड़ को और मैदान दोनों ही क्षेत्रों को भुगतना पड़ा था, क्योंकि देहरादून में व्यवस्थाएं सरकार ने जरूर ये कही कि 4-4 हमने की हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो दूसरी लहर में साफ नजर आई थी कि अस्पतालों में बेड की व्यवस्था लोगों की नहीं हो पा रही थी। जो लोग पहाड़ से अपने मरीज को राजधानी देहरादून तक ला रहे थे उनको उसके बाद अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाया, वो दर दर की ठोकरें खाते हुए भी नजर आए। लेकिन वही चीज है कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ना कनेक्टिविटी है, ना सुविधा है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि सर्दियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है कई बार कई समय के लिए, और उसको ठीक करने की बिल्कुल जी कनेक्टिविटी भी बंद हो जाती है, और ऐसे में उत्तराखंड में खतरा भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुभाष जी आपका। बाकी आज हमने जिस हिसाब से बताया है आपको कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वासी जो इस कार्यक्रम को फिलहाल देख रहे हैं वो एक चीज को समझ लें, ध्यान से सुने, सरकारें केवल बंदिशें लगा सकती हैं, सरकार केवल चालान काट सकती हैं, सरकार मुकदमा कर सकती हैं, सरकार आपको बंद कर सकती है, प्रशासन आप पर डंडा चला सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अगर जीवंत रखना है, जिंदा रहना है, कोरोना से अगर लड़ना है, तो ये सब आपको स्वयं करना होगा, खुद करना होगा, ना कि किसी डर से, ना कि प्रशासन के डर से। मास्क लगाकर रखिए और इसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।